मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब क्रूर औरंगजेब को लगा कि अब न शिवाजी है और न ही वो संभाजी, अब दक्कन पर मुगल राज करेंगे। पर औरंगजेब भूल गया था कि छत्रपति कभी मरते नहीं, इसी वजह से वो कभी दिल्ली लौट नहीं पाया। वो दिन भर यही सोचता कि ये कौन लोग हैं जिन्हें अपनी भूमि से इतना लगाव है, ऐसी क्या बात है इनके खून में जो इन्हें अपनों से जोड़ के रखती है। औरंगजेब को बादशाह होने का गुरूर था ही, पर उसे ये बात हमेशा चुभती रही कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा उनसे भी एक कदम आगे था। पर फिर भी वो हमेशा पिता के मार्ग पर चलता रहा, और यहाँ हमारा खुद का बेटा बाप के खून का प्यासा है। परिवार के कहर को औरंगजेब ने निपटा लिया, पर दक्कन में वो चैन की सांस नहीं ले पाया। एक के बाद एक सेनानी आते और औरंगजेब को जमीन दोस्त करके चले जाते। पूरा दक्कन और कोंकण प्रांत मुगलों के लिए श्रापित था। औरंगजेब को अब यकीन होने लगा कि उसने सबसे बड़ी गलती की है। शायद इसी वजह से धर्मवीर संभाजी महाराज ने हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। औरंगजेब को महसूस होने लगा कि वो सिर्फ नाम का बादशाह है। खुले आंखों से वो मराठाओं की शान देख रहा था। हर एक मराठा बदला लेना चाहता था। चारों तरफ से हो रहे छापेमार युद्ध से मुगलों की रातों की नींद उड़ गई थी। हकीकत में खौफ का कोई चेहरा नहीं होता, पर औरंगजेब ने साक्षात नाम के साथ खौफ का चेहरा भी देख लिया था। मराठा साम्राज्य के असंख्य योद्धाओं में वो उन दो योद्धाओं ने न सिर्फ मुगलों को तरसाया, बल्कि इसी जमीन पर औरंगजेब को दफन भी कर दिया। वो दो परम योद्धा थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका आपके चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी में, जहां मैं आपको मराठा एम्पायर से जुड़ी सच्ची कहानियों से रूबरू करवाती हूं। दोस्तों, संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के एक बलशाही और कुशल योद्धा थे। इतिहासकारों की माने तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज मेवाड़ से थे, पर शायद आप ये नहीं जानते कि सिर्फ भोसले परिवार के वंशज मेवाड़ से नहीं थे, बल्कि घोरपड़े घराना भी मेवाड़ पूर्वज के सूची में आता है। घोरपड़े पहले भोसले कहलाते थे। किस्सा उस जमाने का है जब सिसोदिया वंशज दक्कन प्रांत में आए और यहाँ के बहामनी साम्राज्य के लिए काम करने लगे। उस वक्त निजाम शाही अदिल शाही का नामो निशान भी नहीं था। एक दिन बहामनी सुल्तान ने भीम सिंह को खेलना किला जीतने को कहा। इस किले पर भीम सिंह ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की और इसे जीत लिया। इसे सर करने के लिए उन्होंने मॉनिटर छिपकली की मदद ली। इस छिपकली को मराठी में घोरपड़ बोलते हैं। ये देख बहामनी सुल्तान बहुत खुश हुआ और भीम सिंह को राजा घोरपड़ बहादुर की पदवी दी। इस तरह आगे चलकर वो घोरपड़े कहलाए, जिनके पास खुद की जागीर थी। इस तरह देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संताजी घोरपड़े दूर के रिश्ते से भाई भाई थे। सबसे पहले संताजी के परिवार की बात करते हैं। वीर संताजी का जन्म 1645 को हुआ था। उनके पिता का नाम महालोजी घोरपड़े था। महालोजी के पूर्वज और भोसले परिवार में आपसी मतभेद थे, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पार लगाया और महालोजी घोरपड़े को स्वराज मुहिम में ढाल दिया। न सिर्फ महालोजी स्वराज में शामिल हुए, बल्कि उनके तीनों बेटों ने छत्रपति के निर्देशन में बहुत सारी मुहिमों में भाग लिया। सबसे बड़े थे संताजी, फिर बहिरजी घोरपड़े और सबसे छोटे थे मालोजी घोरपड़े। अगर आप मुझसे पूछोगे कि संताजी घोरपड़े को किस तरह वर्णित करना है, तो मैं कहूंगी कि उनकी बुद्धि, चाल, व्यवहार और नसीब, ये सब पेशवा बाजीराव जैसा था। खैर, बाजीराव तो बाद में आए थे, पर स्वराज्य को फैलाने का जिम्मा जिसने सबसे पहले हाथ में लिया, वो तो संताजी घोरपड़े ही थे। संताजी हमेशा किसी न किसी मुहिम में रहते। वो कभी दक्षिण में जाते तो कभी उत्तर में। स्वराज्य को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उन पर थी। उन्होंने न सिर्फ स्वराज्य सुरक्षित किया,
बल्कि छत्रपति राजाराम और अन्य शाही परिवार को मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी जिंजी में भेज दिया, क्योंकि उस समय छत्रपति राजाराम बहुत छोटे थे। इतिहासकारों का मानना है कि वो दौर बहुत कठिनाइयों का था। एक तरफ मराठा साम्राज्य ने छत्रपति संभाजी महाराज को खो दिया था और दूसरी तरफ मुगलों ने स्वराज्य को मुगल साम्राज्य में जोड़ लिया था। हर तरफ बस यही बात थी कि अब मराठा क्या करेंगे। समय दर्दनाक था, इसीलिए मराठा साम्राज्य के मंत्रियों ने नई राजधानी के रूप में जिंजी को चुन लिया, जहां मुगलों का पहुंचना नामुमकिन था। ये कोई पीछे हटना नहीं है, सिर्फ राजधानी को बदला गया। शूर योद्धा तब भी वही थे। मराठा साम्राज्य को जीवंत रखना और मुगलों को जिंजी से दूर रखना, इन दो कार्यों को शूरवीर संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मिलकर किया। वो साल था 1689। उस वक्त संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के सरसेनापति थे। सरसेनापति संताजी घोरपड़े की असली कहानी शुरू होती है सन 1689 से। आसान शब्दों में इस योद्धा की कहानी बयां करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनका जीवन हमेशा युद्ध और राजनीति से जुड़ा रहा। राजनीति में इन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इस बात को सभी इतिहासकार मानते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि काल के महान सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते के अंतर्गत संताजी ने युद्ध कला को अवगत किया था। सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते द्वारा की गई मुहिमों में संताजी भाग लेते। धर्मवीर संभाजी महाराज के गुजर जाने के बाद मुगलों ने तुरंत ही रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई ने स्वराज्य के लिए सबसे बड़ी आहुति दी। राजाराम महाराज, उनकी माता और पत्नी समेत कई लोगों को जिंजी की तरफ रवाना कर बालक शाहू के साथ खुद को 18 साल के लिए बंदी बना लिया। येसुबाई और शाहू महाराज को बंदी बनाने के बाद औरंगजेब उन्हें हमेशा साथ रखता, क्योंकि वो जानता था कि कोई ना कोई उन्हें छुड़ाने जरूर आएगा। इतिहासकार मानते हैं कि उनका 18 साल तक कैद रहना ये राजनीतिक हलचल थी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद गद्दी के लिए राजनीति में संघर्ष भी शुरू हो गया था। खैर, इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। राजाराम महाराज के जिंजी पहुंचने के बाद संताजी और धनाजी ने कोंकण, सातारा और आज के कर्नाटक को आपस में संभाल के रखा। यहाँ मुगलों ने सबसे पहले रायगढ़ के साथ सातारा और कोंकण विभाग पर अपना दावा ठोक दिया। मुगल इतिहास में ये वही कड़वा समय था जब मराठा साम्राज्य के मात्र एक सेनापति संताजी घोरपड़े ने मुगल के करीब करीब 12 सेनापति को सह्याद्री की मिट्टी में लोट दिया। जब राजधानी रायगढ़ समेत आज का पूरा महाराष्ट्र अपने हाथ से फिसलते हुए मुगलों ने देखा, तब उन्होंने अपना मोर्चा जिंजी की तरफ कर लिया। संताजी के आक्रामक शैली की वजह से मुगल में कमाल की दहशत थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार मराठाओं ने आक्रामक युद्ध नीति अपनाई थी। दहशत इस बात की भी थी कि अगर संताजी के हाथ कोई मुगल आया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संताजी घोरपड़े अपने दुश्मन को बेरहम तरीके से मारते थे, जिससे दुश्मन फिर से उन पर हमला नहीं करते थे। वो संताजी घोरपड़े ही हैं जिन्होंने आखिरी बार मुगल सेना को यहाँ से भगा दिया था, क्योंकि 1700 शताब्दी आते आते मुगलों ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मराठाओं ने एक एक करते हुए उनके लगभग सभी योद्धाओं को मार दिया था। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस इंसान ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया था, उस मुकरब खान को उसके किए की सजा मिलनी बाकी थी। साल 1690 के पहले मुकरब खान ने सोचा कि जिंजी पहुंचने के पहले ही राजाराम महाराज को कोल्हापुर में रोक दिया जाए, पर संताजी घोरपड़े ने उसे सेना समेत वहीं दबोच लिया और काफी समय तक चले इस युद्ध में मुकरब खान को मात दे दी। इसके बाद इतिहास में मुकरब खान का कोई संदर्भ मिलता ही नहीं। इतिहासकारों का मानना है कि मुकरब खान चोटिल हो चुका था और इस कारण से उसकी वही मौत भी हो गई थी। इन सभी बातों पर अगर ध्यान से गौर किया जाए तो
तो हमें पता चलेगा कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े ने अपना मूल्यवान योगदान दिया है। उन्होंने हर वक्त साबित किया कि वो मराठा साम्राज्य के सर सेनापति हैं और छत्रपति तक पहुंचने के पहले दुश्मन को संताजी घोरपड़े का सामना करना पड़ेगा। राजधानी तो सुरक्षित हो गई, स्वराज्य भी सुरक्षित हो गया। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी मराठाओं ने विजयश्री प्राप्त की। पर सर सेनापति संताजी को धोखा किसने दिया? उनके खुद के मित्र मंडल के लोगों ने। इतिहासकारों की माने तो ये पता चलता है कि छत्रपति राजाराम सलाहकारों की ज्यादा सुनते थे। उनके कान भर दिए गए कि संताजी एक दिन छत्रपति के विरोध में आएंगे। वो खुद की मनमानी करते हैं, वो दुश्मन को तड़पा कर मारते हैं और इस वजह से उन्हें सर सेनापति पद से उतरना पड़ा। ये देख उनके भाई बहिर्जी घोरपड़े ने भी जिंजी में चल रहे राजनीति से खुद को दूर कर लिया। सेनापति पद से दूर हो जाने के बाद भी संताजी मुगलों के विरोध में अकेले लड़ते रहे। अब खुद धनाजी जाधव भी उनके खून के प्यासे हो गए थे। दक्षिण से लेकर बुरहानपुर तक मुगलों का सफाया करने के बाद सातारा नजदीक महसवड़ गांव में रुके थे। वहां उनसे मिलने नागोजी माने आए और जिस वक्त संताजी घोरपड़े पूजा पाठ कर रहे थे उस समय उनका कत्ल कर दिया गया। 1697 के बाद मराठा साम्राज्य के इतिहास में ऐसे खूब सारे शूरवीरों का कत्ल होने लगा और इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के नीति को सातारा और कोल्हापुर में बांट लिया गया। भले ही सर सेनापति का पद छीन कर अपमान किया गया पर मराठा साम्राज्य के इतिहास में सर सेनापति महायोद्धा संताजी घोरपड़े का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।